बुलबुल तुम रो क्यों रही हो? बात मत करो मुझसे। तुम ना पति के नाम पर इतना बड़ा काला धब्बा हो। क्यों? कितनी इंसल्ट हुई है मेरी। अरे वो तो रोज होती है, आज किसने करी? धोबी ने या रद्दी वाले ने? हाँ पेपर वाले ने की होगी। किसी वाले ने नहीं की है, हमारी पड़ोस वाली मिसेस वर्मा ने। पता है उनके घर में इनकम टैक्स की इतनी बड़ी रेड पड़ी है। अरे यार उनके घर में रेड पड़ी हो या येलो पड़ी हो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता, सारी सोसाइटी में उनकी कितनी धाक जम गई है। कितनी शान से कह रही थी हमारे घर में इतना सारा ब्लैक मनी पकड़ा गया। ब्लैक भी होता जी? अगर मेरे पास होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना होता, लेकिन इसमें इतनी शान की कौन सी बात है? अरे सारे कॉलोनी के घरों में इसी बात की चर्चा है। अरे सोचो ना कि इनकम टैक्स वाले ना बड़े लोगों के घर में ही छापा मारते, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जी। बुलबुल आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि भगवान जब इंसान को बना रहा होगा ना तो उसके पास कोई स्पेयर मिट्टी बच गई होगी, उस स्पेयर मिट्टी को उसने मिक्सी में डाल के घोल के तुम्हारे भेजे में डाल दिया होगा, तभी तुम इतनी उल्टी फुल्टी बातें करती हो आजकल। जब वो तुम्हारा भेजा बना रहा था ना तो वो स्पेयर मिट्टी भी नहीं बची थी, खाली भेजा बना के इधर भेज दिया तुमको। बोल तुम कहना क्या चाहती हो? यही, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो ना, प्लीज इनकम टैक्स वालों के पास जाओ, उनसे हाथ जोड़कर विनती करें, यहाँ आओ, हमारा भी घर है, हमारे यहाँ भी रेट डालो। बुलबुल क्या पागलपन है बुलबुल? नहीं जाओ प्लीज डाली, भगवान के लिए तुम्हें मेरी कसम, जाओ ना। अरे बुलबुल ये तो वही बात हो गई ना कि आ बैल मुझे मार। बुलबुल तू मुझे जेल जरूर पहुंचा के रहेगी। वर्मा जेल ले गए, उनके घर में रेड हुई, जेल ले गए। अब क्या करेगी मिसेस वर्मा? प्लीज जेल जाओ, उनको जल्दी लेके आओ, वो तुम्हें जल्दी से जेल ले जाएगी। डार्लिंग प्लीज जाओ ना जेल। और बुलबुल शट अप, अरे ये क्या पागलपन है, मुझे जेल भेजेगी? नहीं मुझे इनकम टैक्स का रेट चाहिए। अरे लगता है तू पागल हो गई है। मुझे चाहिए। तू पागल हो गई है, मैं जा रहा हूं ऑफिस। अरे प्यारे क्या हुआ, सर पर पट्टी क्यों बांध रखी है? क्या हो गया, कल मेरे एक दोस्त की शादी हो गई इसलिए मैंने सर पर पट्टी बांध दी है। वेरी फनी, शादी तेरी फ्रेंड की हुई तो पट्टी तुझे क्यों लगी? अरे लेकिन शादी की सलाह तो मैंने ही दी थी, उसने बोला तूने मेरे जिंदगी का मटका फोड़ दिया, मैं कम से कम तेरा सर तो फोड़ दूंगा। हाय गर्ल्स। अरे प्यारे कोई फोन कोई मैसेज आया? आया 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 था सर, आपका एक करीबी दोस्त आया था। तुम्हें कैसे मालूम वो सर का करीबी दोस्त था? अरे क्योंकि उसने आते ही पूछा वो गधा खन्ना कहाँ है, तो मैंने जान लिया कि वो करीबी दोस्त है। प्यारे एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल के ना तू भगवान को प्यारा हो जा। सर वैसे तो भगवान अक्सर मुझे अपने पास बुलाते रहते है, लेकिन उनकी एक शर्त है। क्या शर्त है? उसने बोला कि बेटे आ जा ऊपर आ जा, लेकिन आते वक्त अपना कोई खास आदमी साथ में लेके आ जा। अब आप लोगों के सिवा मेरा दुनिया में कौन खास है, कौन आएगा मेरे साथ? अरे चुप करना यार, कोई ऑफिस में काम है कि नहीं है? काम है काम है काम है, एक मिनट, ये रजिस्ट्री है देखिए। रजिस्ट्री है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रजिस्ट्री? इंडिया इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार का पत्र? सर सर सरकार ने आपको कोई काम दिया है क्या? जरूर मिनिस्ट्री बनवाने का काम दिया होगा। बहुत रमेश, इतनी मुश्किल से तो हमारी सरकार खड़ी हुई है, तो वापस गिरवाना है क्या सर को काम दिलाकर? शट अप, मेरे को पढ़ने तो दो। क्या हो सकता है? मिनिस्ट्री? अरे नहीं, मिनिस्ट्री मिल गई। अरे नहीं बाबा, इनकम टैक्स वालों का नोटिस है, वो हमारे अकाउंट्स को देखना चाहते हैं। So what sir, आपकी टैक्स फाइल रेडी है ना? अरे बिल्कुल नहीं, मैंने आज तक इनकम टैक्स की फाइल कभी देखी नहीं है। इसका मतलब आप गए 4-6 महीने के लिए जेल में और हमें अकेले ऑफिस को संभालना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, तुम सब भी मेरे साथ जेल जाओगे। हम क्यों जेल में जाएंगे? हाँ सर रहने दीजिए, हाँ किसी ने सुन लिया ना तो आप जेल जाए ना जाए पागलखाने जरूर जाएंगे, क्योंकि सर हमारी इतनी इनकम तो है ही नहीं। प्यारे साथियों, ऑफिस की इनकम पे टैक्स ना लगे इसलिए मैं थोड़ा सा झोल झाल किया था। कैसा झोल झाल? वो क्या है ना, मैंने रिकॉर्ड बुक्स को थोड़ा चेंज करके तुम्हारी पोस्ट को और सैलरी को बढ़ा दिया था। अब जैसे कि जीना तुम हमारे ऑफिस की मैनेजिंग डायरेक्टर, तनख्वाह तुम्हारी 40,000 रुपए, और योजना एडवर्टाइजिंग मैनेजर तुम्हारी तनख्वाह है 30,000 रुपए, निराशा तुम हो अकाउंट्स मैनेजर तुम्हारी तनख्वाह है 25,000 रुपए, और प्यारे तू है हमारा कमर्शियल मैनेजर और तेरी तनख्वाह है 15,000 रुपए। सर आपने एक
एक्स्ट्रा जीरो लगवाकर हम सबको मरवा दिया। क्या वो प्यारे स्कूल से पट्टी क्यों लगा दी? 15,000 सुनकर अब मैं बेहोश होकर तुम्हारे ऊपर गिरने वाला हूँ और तुम लोग फिर से मुझे मारने वाले हो। बुलबुल ये क्या कर रही हो तुम? अरे देख नहीं रहे हो, नोटों को सुखा रही हूँ। अरे नोटों को सुखाना है तो कमरे में सुखाओ, यहाँ पे कोई ले जाएगा। अरे कमरे में सुखाने होते तो इतनी मेहनत क्यों करती, इनको गीले क्यों करती? यानी कि तुमने इनको जान पूछ के गीला किया है, मगर क्यों? अरे ताकि इनकम टैक्स वाले नोटों को देखकर हमारे घर भी रेड डाले। और मेरी जिंदगी ब्लैक हो जाए। हा? अरे ब्लैक नहीं, रंगीन हो जाएगी। तुम्हें पता है ऑफिस में पहले ही इनकम टैक्स वालों का नोटिस आ चुका है। मैं 21 रुपए चढ़ाऊंगी शिव जी को। 21 रुपए क्यों? मैंने मन्नत मांगी थी अगर हमारे घर में रेड होगा तो मैं 21 रुपए चढ़ाऊंगी महादेव को। जय बम बोले। जय बम बोले और मैं सीधा जेल पहुंच जाऊंगा। हाँ तो मुझे 51 रुपए चढ़ाने होंगे, मैंने 51 रुपए की मन्नत जो मांगी है। हाय तो मेरी माँ, तू ये क्यों कर रही है? अरे मिसेस वर्मा की ब्लैक मनी मेरे मनी से ब्लैक कैसे, ये मेरी आन बान शान का सवाल है। तेल में गई तेरी आन बान और शान। अच्छा बुलबुल मुझे एक चीज बता, घर में कोई फटी पुरानी शर्ट है क्या? नहीं। क्यों? इनकम टैक्स वालों की आंखों में धूल झोंकता है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें इनकम टैक्स वालों की आंखों में धूल नहीं झोंकने दूंगी। हे शिव जी, इन्हें बचाना मत। हे शिव जी, मुझे फंसाना मत। मैं जीनू भाई, झाड़ू पोता बर्तन 200 रुपया महीना चल गई ओजू भाई। और मैं ना योजू भाई, मैं ये सब काम ना 100 रुपए में कर सकती हूँ। हाँ नमस्ते, मैं नीरू भाई, मेरे को तन ढकने को ये साड़ी मिल जाने, एक साड़ी तो मैं सारा काम करने को तैयार हूँ। थैंक यू। पॉलिश पॉलिश जूता पॉलिश करवा लो साहब, चका चक जूता चमका गया गरीब प्यारा भाई, कमती भाव में है गरीबी की वजह से, चका चक पॉलिश पॉलिश करवाओगे क्या? क्या अरे क्या पॉलिश करवाएगा यार, ये गरीब संतरे का जूस निकालने वाला क्या पॉलिश करवाएगा, वो भी इस चप्पल की जूस पिएगा क्या? जंगल सिंह। हाँ जंगल सिंह, तुम्हें कहीं दिखा क्या? अरे हम आपके हैं वो वालों का ऑफिस। नहीं तो जंगल सिंह बोल निकाल वही। वेरी गुड आइडिया, अब इस नक्शे में ढूंढ कि उस खन्ना का ऑफिस है कहाँ। ढूंढता हूँ बचकर जाएगा कहाँ। हाँ हम इनकम टैक्स वालों से बचना उतना ही मुश्किल है जितना डंडे की सर की चोटी बनाना। हाँ। मंगल सिंह। हाँ अरे इस नक्शे में तो ऑफिस का कहीं कोई पता दिखाई नहीं दे रहा है। ओहो जंगल सिंह, फिर तो हम गए, अब क्या होगा? पता नहीं कहाँ है हम आपके हैं वो का ऑफिस, अरे कहीं कोई निशान भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम भक्तों की पीड़ा दूर करो। हाँ प्रभु, आप नहीं जानते जब इनकम टैक्स वाले छापा लगाते तब इंसानों को कितनी तकलीफ होती है। हाँ प्रभु, अगर आप हमें इस बार बचा लेंगे तो हम आपको 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। हाँ प्रभु, लेकिन मेरा प्रसाद 125 रुपए के 45 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। हाँ प्रभु। भक्तगणों, अगर मुझे प्रसाद किश्तों में चढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे दुख भी किश्तों में पूरा करूंगा। हाँ प्रभु। क्या प्रभु? हाँ भक्तगणों, लो भुगतो। एक्सक्यूज मी, ओए कौन तुम? वी आर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं हूँ जंगल सिंह। मैं हूँ मंगल सिंह। मैं हूँ दंगल सिंह, इनकम टैक्स ऑफिसर। फिर से कहना। दंगल सिंह फ्रॉम इनकम टैक्स। भगवान ने मेरी सुन ली, आपके कदम हमारे घर पर पड़े। हे इनकम टैक्स वालों, जंगल के पालनहार, सुखियों के सुख दूर करने वाले, अकाउंट्स के अंतर्यामी, स्वयं भोजन स्वीकार कीजिए ना। जंगल सिंह। हाँ मंगल सिंह। लगता है ये खन्ना में रिश्वत के जाल में फंसा रहा है। लगता है। सुनो,
पहले तुम लोग अपनी टोटल इनकम और बाकी रिकॉर्ड्स के फाइल के दर्शन करा दो। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले आप ये सब खाइए ना। एक कप टूटा है तो क्या हुआ, चाय तो अच्छी है, लीजिए पीजिए। पी लूंगा, टूटे कप में भी पी लूंगा, लेकिन तुम लोगों को हथकड़ी लगाने के बाद। आइए ना, रुक क्यों गए, आइए ना। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी, बताइए पहले कहाँ करेंगे, यहाँ या सीधे अंदर चले। देखिए मैडम, आप गलत समझ रही हैं, वो आपका पड़ोसी है ना राम लखन, उसके हम लोग रेड मारने आए थे। अरे उसके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, हमको भी अपनी सेवा का मौका दीजिए ना। नेक्स्ट टाइम आज क्यों नहीं, आज मुझे सिर्फ फोन करना है। फोन हाँ। तो कीजिए ना, रुक क्यों गए, कीजिए ना। लगता है और लोगों को बुलाएगा रेड करने के लिए। Shut up! मुझे आप लोग अपनी फाइल दिखाइए, फाइल फाइल प्लीज। ठीक है सर, अगर आप हम गरीबों का मजाक उड़ाना चाहते हैं तो देख लीजिए फाइल। अच्छा फाइल ढूंढना। फाइल फाइल सर, फाइल सर, फाइल। ये देखिए, हीरो का हार है, असली है। और क्या, मैं मिसेस वर्मा की तरह नकली इमिग्रेशन ज्वेलरी नहीं पहनती, देखो देखो ना। मैं लग तो रहा है। लग क्या रहा है, इस फाइल के हिसाब से तो आपकी कंपनी काफी घाटे में चल रही है। हाँ बिल्कुल, पिछले 35 रातों से यहाँ पे कोई क्लाइंट आया ही नहीं। सच? गॉड प्रॉमिस। पिछले 35 दिनों में जो क्लाइंट आने थे वो आके गए, रातों में तो कोई नहीं आया, गॉड प्रॉमिस। अच्छा तो दिन वाले क्लाइंट की ही फाइल दिखा दीजिए। दिखानी जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, लेकिन सरकारी काम में रुकावट डालने के जुर्म में आप बगैर फाइल दिखाए भी जेल जा सकते हैं। देखो, हाथ लगाओ इधर, क्या है? नोट। इस तकिए में नोटी नोट भरे हुए। अच्छा? उस तकिए में भी, इस गद्दे में भी। पैर मारो। इस डाई के नीचे भी नोट है, इधर भी नोट है, इधर भी नोट है। गर्मी लग रही है ना आपको? मैं पंखा नहीं चला रही हूँ जान के, पंखा चलाऊंगी ना तो नोटों की बारिश होगी। इस फाइल के हिसाब से तो आपकी कंपनी की इनकम काफी अच्छी है। हाँ है, 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 है। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। कैसा राज? भाई साहब, कौन शरीफ आदमी या औरत ये चाहेगा कि उसकी गरीबी सबके सामने आ जाए? क्या आप चाहेंगे? नहीं ना। क्या आप चाहेंगे? नहीं ना। क्योंकि आप शरीफ हैं, शरीफ हैं, शरीफ हैं, है ना? हाँ। और हम भी शरीफ हैं, हैं। इसलिए हमें अपनी गरीबी छिपाना चाहते हैं, इसलिए हमने फाइल में गलत इनकम लिखी है, हमें माफ कर दीजिए। प्लीज मत रोइए, अपने आंसू पोंछ लीजिए। कैसी लगी साड़ी? साड़ी बनारस की है? हाँ है तो बनारस की, पर दुबई जाकर ये गोल्ड लगवाया था। दुबई जाके गोल्ड लगवाया? और क्या, ये तो अपने मोजे ले जाते हैं पेरिस, उसमें गोल्ड लगवाने, मैं दुबई ले जाती हूँ अपनी सारी साड़ियाँ, उनमें गोल्ड सिल्वर लगवा रही हूँ। क्या करे, आना जाना पड़ता है, इतनी ब्लैक मनी है ना। और भाई साहब गर्मी लग रही है आपको, साड़ी पंखा नहीं चला सकती मैं। रुपए गिर पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी प्लीज। मिसेस वर्मा, आप ही को याद कर रही थी मैं। हाँ, आपको जो फील हुआ था ना, मुझे भी वही फील हो रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स वाले मेरा घर भी रेड कर रहे हैं। मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि इनकम टैक्स वालों को और भी बहुत कुछ दिखाना है। हाँ वैसे कोई बात नहीं, आप कल मेरे और मिस्टर खन्ना की फोटो देख लेना हथकड़ियां पहने हुए। बाय सॉरी। आप जानते हैं? मैं नहीं जानता हूँ। मैं बताता हूँ, अपनी गरीबी की वजह से पिछले 3 सालों से मैं अपने गांव नहीं जा सका। अच्छा? हाँ, मेरे बूढ़े माँ बाप गांव में मेरा इंतजार करते होंगे। यार अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ से जाऊँ। कहाँ?
बूट पॉलिश करने, ऑफिस छूटने के बाद बूट पॉलिश करके घर वालों का पेट भरता हूँ। अच्छा तो दिन में 30 रुपया कमाता हूँ, उसमें से 10 रुपए दूसरे गरीबों में बांट देता हूँ, 20 रुपए में घर वाले और मैं। भी चलना चाहिए, हमारी मालकिन इंतजार कर रही होंगी। मालकिन निराशा, हम लोग दूसरों के झूठे बर्तन साफ करके अपना छोटा सा पेट भरते हैं। जीना, अपनी मालकिन को बोला यहाँ की साफ सफाई करके ना मैं उनके लिए संतरे का जूस लेके आऊंगा। संतरे का जूस? हाँ, अपनी घर की रोटी चलाने के लिए मैं संतरे का जूस का बिजनेस करता हूँ साइड वाला। संतरे का जूस, बूट पॉलिश, तीसरा क्या था? झूठे बर्तन। झूठे बर्तन। ये आसपास को डॉक्टर है? है, मगर उनकी फीस के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। आपको क्या हुआ? थोड़ा सा इमोशनल अटैक हो गया था। अच्छा, सर, इनको इमोशनल अटैक हुआ है। आपने सारा काला धन पैक कर लिया? हाँ जी। भाई साहब जरा बोलिए, बू बू ल ल, दो बार बोलिए। बोले बोले बोल बोल बोलिए। खा खा ना ना खन्ना खन्ना, ये सब क्यों बुलवा रहे हैं आप? ताकि आप कल अखबार में स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दें। भाई साहब हमारा नाम कल के अखबार में छपेगा ना? बिल्कुल, दंगल सिंह के होते हुए आपके पति को जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। भाई साहब मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं? अपने पति के खिलाफ कोर्ट में गवाही देकर। वो तो मैं दूंगी, चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगी मेरा पति चोर है, लिख दो मेरे हाथ में। मुझे माफ करना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमारे डिपार्टमेंट ने आप जैसे गरीब लोगों पर शक किया। अरे कोई बात नहीं सर, गलती तो इंसानों से होती है ना। और मेरे ख्याल से आप लोग भी इंसान ही है। बस कोई बात नहीं, चलेगा। 100 रुपए से तुम सब मिलकर बड़ा पाव खा लेना। माफ कर देना मंगल, माफ कर देना। हम उनसे भिड़ गए हुजूर पहलवान बनके। हमने भी घर का सारा सामान दिखा दिया मेजबान बनके। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। बोल 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 बोल, किसको दिखाया तुमने? अरे वही जो हम सबको ले जाएंगे बड़े शहर से सरकारी मेहमान बनाकर। कौन कौन? आइए ना भाई साहब।